Hello and welcome back to the Football Parliament, a one-stop destination for your football debates, discussions and opinions. And today with me, I welcome again Drog Baba to our channel, one person jo mujhe pata hai, loves to discuss about Chelsea. But Baba, are you happy to discuss about Chelsea today? Not really, but kya kar sakte hai, matlab, kya hi bole hai, samajh hi nahi aa raha abhi to. So first of all, a sloppy win against Watford, followed by a draw against United, but and then like not so good performance against Zenit. 3-3, a score jahan pe you should have killed it, you should have secured the top position. Baba, what are your views? Because us draw ne ek complexion change kar diya, it could actually define our season. It is a very matlab ek match season defining nahi hota, lekin ye ban sakta hai. Because agar hame Champions League mein tough draw milega, you have to compensate Premier League bhi, you have to compensate all the matches. So how do you feel right now? हाँ डेफिनेटली, मतलब मैंने तो अपने चैनल पे भी जब इसका रिव्यू किया था इस गेम का, तो मैंने कहा था कि नीडलेसली हमको हार्ड अपोनेंट मिल जाएगा. एब्सोल्युटली स्टूपिड दैट व्हाट वी हैव डन, नॉट टॉप डर ग्रुप. यूवेंटस को 4-0 हराने के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि यूवेंटस ने हमको हरा दिया और इसलिए हम सेकेंड आ गए. हमने यूवेंटस को हरा के और फिर हम ग्रुप टॉप नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत मतलब चीजें मतलब हजम नहीं होती हैं. हाँ बट स्टिल इसका मैं एक वो बोलूंगा कि इंजरीज इतनी हो रखी हैं कि मतलब वो भी यू हैव टू फील फॉर द कोच, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है नहीं. रॉस बार्कली और रीस जेम्स को मिडफील्ड में खिलाना पड़ रहा है, मतलब दिस शोज की स्क्वाड डेप्थ होने के बावजूद भी हाउ शॉर्ट वी आर ऑन द ऑप्शंस. और हम बहुत मतलब बोस्ट कर रहे थे अपनी स्क्वाड डेप्थ को कि हमारे में तो इतने प्लेयर है जिनको मौका ही नहीं मिल रहा. अब हमारे पास प्लेयर ही नहीं बचे हैं, खिलाएं किसको? ऐसा अब लग रहा है लोन से वो यान मार्टसन को बुलाना पड़ेगा वापस लेफ्ट विंग बैक खेलने के लिए, क्योंकि साउथ से नहीं हो पाएगा लेफ्ट विंग बैक पे. फिर आपके पास अभी जॉर्जिनियो भी फिट नहीं है, कोवाचिच भी फिट नहीं है, कांटे भी फिट नहीं है, लॉफ्टस चीक को वार्म अप में इंजरी हो जाती है, तो मतलब आप क्या ही करोगे. बट स्टिल वंस यू स्कोर द गोल यू हैव टू बी ऑन पॉइंट. और जैसा थॉमस टुकल ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया था पोस्ट मैच में कि बिहेवियर चेंज हो जाता है हमारा जब हम गोल पहले मार देते हैं तो, और हमारी इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है, जो कि ये सिस्टम में नहीं कर सकते आप. मतलब आपको इस जो ये सिस्टम हम खिलाते हैं इसके जितने एडवांटेजेस हैं उतने डिसएडवांटेजेस भी हैं. जहां आपने अपना कंसंट्रेशन या इंटेंसिटी ड्रॉप करी वहां आप मतलब लूज कर जाओगे कहीं ना कहीं चीजों को, तो वो देखने को मिला हमको. अब ये या तो ये भाई प्लेयर ऐसे हैं जो आपस में खेले नहीं है इसलिए केमिस्ट्री नहीं बैठ पा रही है फील्ड पे, हमको वो दिख नहीं पा रहा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि भाई एक मैनेजर की प्लेइंग इलेवन नहीं बोलूंगा, 8 प्लेयर तो होते ही है ना, 7-8 प्लेयर जो विच वॉक इन टू हिस टीम, मतलब जो कुछ भी करेगा उनको तो खिलाएगा. हाँ इस टीम में अगर हम देखें तो मोस्टली हमारा फ्रंट थ्री में रोटेशन होता है, बाकी पीछे से लेके आगे तक हमारे 8 प्लेयर आर सेट, और 11 में से भी 9 मतलब माउंट भी फिक्स ही है एक तरीके से. तो बाकी वो 2 लोगों में रोटेशन होती है, कभी ZH आ जाता है, कभी पुलिसिच आ जाता है, कभी लुकाकू आ जाता है, कभी वर्नर आ जाता है, कभी हावर्ट्स आ जाता है. फिर वो हम ऑपोजिशन के हिसाब से गेम की सिचुएशंस को देख के रोटेट करते हैं. तो जब तक हो रहा था जब तक सब सही था, चीजें बिगड़ गई चिलवेल की इंजरी के बाद. अगर आप देखोगे तो चिलवेल मतलब एक पूरी ये चेन है, अब चेन में अगर एक भी कड़ी टूट जाती है तो पूरी वो कोलैप्स हो जाती है. तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कैटेस्ट्रोफी हो गई है, बट अगर यही चलता रहा चेल्सी बीइंग चेल्सी तो हमको पता है कि भाई फिर क्या होता है. और मतलब एक बार चीजें खराब होती हैं तो वो ठीक फिर बहुत मुश्किल से होती है. मैंने एक सीजन देखा है बस अभी तक, कार्लो एंचेलोटी का जो सेकंड सीजन था जिसमें हम एकदम बर्बाद हो गए थे प्रीमियर लीग में, 15 पॉइंट का गैप हो गया था हमें और यूनाइटेड में, एंड गोइंग इनटू ओल्ड ट्रैफर्ड विद 3 or 4 गेम्स रिमेनिंग द पॉइंट वाज द गैप वाज ओनली 3 पॉइंट्स. बस वो एक सीजन मुझे याद है 10-11 वाला जिसमें हमने रिवाइवल कर लिया था बीच में. बट बाकी एज अ चेल्सी फैन आई डोंट रिमेंबर कि व्हेन इट हैज ऑल गॉन टू शिट एंड वी हैव बीन एबल टू करेक्ट थिंग्स मिड सीजन. अगर हम अच्छा करते हैं तो शुरू से लेके एंड तक अच्छा रहता है. पिछला सीजन जब टुकल आया उसके बाद से, मैं प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ, कप कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहा मैं. ये तो हमने 2012 में भी किया था प्रीमियर लीग में खराब करके, फिर हम एफ ए कप और वो जीत गए थे. प्रीमियर लीग में मैं बात कर रहा हूँ जब प्रीमियर लीग में हमारा एक बैड फेज आता है और फिर बहुत कम होता है कि हम उस पर फिर रिवाइव कर जाते हैं अच्छा, या वहां से हम टाइटल निकाल लेते हैं. आपका वो फेथ है या फिर उसकी जस्ट जो निगल है दैट इज कॉजिंग हिम?
ऑब्वियसली वो मैच फिट नहीं है, मैच शार्पनेस नहीं है उसमें, इतने टाइम बाद एकदम से इतने सारे आप हाई इंटेंसिटी मैचेस खेल लोगे तो वो तो चीज है, क्योंकि वो अगर स्टार्ट जब आप देखो सीजन का, जब चिलवेल नहीं था तो ही वाज एब्सोल्युटली किलिंग इट, वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट फ्री किक और उसके बाद भी आर्सेनल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस हो गई जो भी होगी, बहुत अच्छा खेल रहा था। फिर जैसे ही चिलवेल को इंटीग्रेट किया गया टीम में, वो उसको बिल्कुल ही गेम टाइम नहीं मिला, चाहे वो चैंपियंस लीग हो चाहे वो प्रीमियर लीग हो, चिलवेल वॉज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस फॉर चेल्सी। तो वो अब एक चीज है जो अब ठीक है, धीरे धीरे उसको टाइम लगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसको भी इंजरी हो गई। मार्को अलोंसो को इंजर्ड तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, जॉर्जिनियो को इंजर्ड कभी मैंने देखा ही नहीं है, ऐसी ऐसी कोवाचिच को मैंने इतना लंबा कभी इंजर्ड नहीं देखा, मतलब ऐसी चीजें हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। एंड जॉर्जिनियो की इंजरी तो इज मोर ऑफ द फैक्ट कि उसको खिलाया जा रहा था, बार बार खिलाया जा रहा था। एंगोलो कॉन्टे इंजर्ड था तो जॉर्जिनियो वॉज अ वेरी क्रूशियल पार्टी, उसको हर मैच खेलना ही पड़ेगा। एंड हमने जॉर्जिनियो को एक मैच रेस्ट कराया, वी ब्रॉट ऑन साउल, हमने वो देखा गेम में क्या हुआ। साउल को फर्स्ट हाफ में ही हमें सब करना पड़ा। वी डू नॉट हैव अ प्लेयर जो जॉर्जिनियो का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है इस टाइम पे। एंड टॉकिंग अबाउट हाँ बिल्कुल। मिडफील्ड, व्हाट डू यू फील कि मिडफील्ड में क्या ही हो सकता है? वी हैड फाइव मिडफील्डर्स, इनफैक्ट सेवन मिडफील्डर्स, फाइव भी क्यों बोलूँ, हमें सिक्स टू सेवन मिडफील्डर्स, लाइक नन ऑफ देम आर रेडी इवन कि हम दो प्लेयर्स भी खिला सके इस टाइम पे मिडफील्ड में। व्हाट डू यू फील कि इफ कांटे, जॉर्जिन्यो, कोवासिच आर नॉट रेडी, सो हु शुड टेक द बैटन नाउ? लाइक इज इट साउल पे आप वापस ट्रस्ट करना चाहोगे? बट मेरे अकॉर्डिंग साउल इज मोर ऑफ एन एडवांस प्लेयर। वो नंबर एट बेटर खेल सकता है एज कम्पेयर टू इन अ डबल पिवट। वो नहीं अपनी बेस्ट चीज दे सकता है पिवट में। नीदर कैन लॉफ्टस चीक। लॉफ्टस चीक कैन नॉट डू दैट होल्डिंग रोल पीछे से नंबर सिक्स वाला दैट जॉर्जिनियो कैन डू और एनी अदर प्लेयर कैन डू। सो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ? माउंट को मुझे पीछे तो पुश लगता है करो या कि नीचे? नहीं, मुझे लगता है सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो डबल सिक्स के हमारे पास प्लेयर ही नहीं है, या तो गिलमोर को वापस बुलाओ लोन से, बट उसके लिए भी बट एक फिर पूरा महीना यही, है। हाँ उसके लिए भी पूरा 1 महीना है, और प्लस फिर ये है कि गिलमोर आ गया और बाकी फिर इतने में सब फिट हो गए तो वो तो उसका तो सीजन गया, फिर उसको फिर जो अभी नॉरिच में खेल रहा है थोड़ा बहुत वो भी चांस नहीं मिलेगा। और अभी पिछले कुछ टाइम से जब डीन स्मिथ आया उसने फॉर्म पिक किया अपना, मतलब ही इज प्लेइंग डिसेंटली वेल, हाँ, मैन ऑफ द तो मैच मिला पहले मैच में उसको, डीन हाँ स्मिथ के हाँ अंदर। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच मिला, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं ये कहूंगा कि देखो हमेशा तो क्या होता था ना कि ड्रेसिंग रूम लूज हो जाता था या चीजें टैक्टिकली फील्ड पे सही नहीं होती, अभी तो मैं टैक्टिक्स को भी ब्लेम नहीं करूंगा, इट्स ओनली द मेंटेलिटी ऑन द फील्ड एंड द इंजरीज। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट हैम गए तो हम पिट के आए हैं, मतलब हाँ वी जी, वर इन द लीड हाफ टाइम पे, हाँ टू जी वन हम गए थे, गेम सी आउट करना था जेनिथ के अगेंस्ट, चलो 2-1 हो गया, बहुत बढ़िया कमबैक किया वर्नर भाई, हैट्स ऑफ टू दैट गाय ऑन फॉर दैट गेम, वो जो उसने फिनिश किया, मतलब वो भाई पहली बार मेरे को लगा वर्नर ने क्लच कर दिया चेल्सी के लिए गेम। एग्जैक्टली। हाँ लेकिन फिर भाई एंड में हम ऐसे खा गए गोल, और आप मतलब मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, मैंने एक अभी वीडियो डाला था कि जब लास्ट का 5 मिनट बचा है तो थोड़ा पोजेशन रख लो ना, कैपा बॉल को पिंग कर रहा है आगे, फिजिकलिटी है नहीं, हम लूज कर रहे हैं और अटैक इनवाइट कर रहे हैं खुद पे। एक बंदे ने कहा यार प्ले आउट फ्रॉम द बैक कौन करता है लास्ट मिनट में, तो ऑप्शन क्या तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास भाई बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स हैं, यू हैव रीस जेम्स जो वहां खेल रहा है, यू हैव आंड्रेस क्रिस्चियनसन, तो उनपे थोड़ा भरोसा रखो ना, थोड़ा रखो, ब्रेव करो, वो प्रेस कर रही है जेनिथ, करो उनको थोड़ा सा इनवाइट करो, नहीं क्योंकि गोल डेफिनेटली, तो जो तुम हमारा एनी हाउ खा सिस्टम, ही रहे हो ना। जो हमारा सिस्टम है, वी हैव थ्री सेंटर बैक्स, दो मिडफील्डर, दो विंग बैक, तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन कि तुम पीछे से बिल्डअप करो। इनफैक्ट व्हेन वी आर लूजिंग आल्सो, तब हम यही करते थे जब हम अच्छी स्ट्रीक में थे, वी वर बिल्डिंग अप फ्रॉम द बैक। हाँ अगर हमें जब भी गोल के लिए भी जाना हो तो देयर इज नो ऑप्शन, अगर वही, लुकाकू नहीं है तो यू शुड गो विद हाई बॉल। हाँ वही है, और लुकाकू हिमसेल्फ इज नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग एज दैट लोन स्ट्राइकर अब या टारगेट मैन, मतलब जो थोड़ा सा डीप लाइंग फॉरवर्ड या वो फॉल्स नाइन वाला उसको रोल करना है, क्योंकि ही इज नॉट अ बॉल जिससे बाउंस होके बॉल आपको मिल जाएगा, मतलब उसको तो आप लिमिट कर देते हो ऐसे। कल काफी अच्छी बिफोर, डिस्कशन हुई थी हाँ जी, हाँ इस जी, पे, तो यही चीज है, बट यार ये तो इंजरीज ही है। अब मेरे को पता क्या लगता है, 50% प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व हो जाएगी वंस कांटे कम्स, मतलब कांटे के आते ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता एंड बिफोर गोइंग टू लुकाकू एज वेल, पहले अगर इफ वी टॉक अबाउट डिफेंस, हाउ है। इज द मनी थिंग और द कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन नाउ हर्टिंग चेल्सी? वी नो चेल्सी हैज द बेस्ट बोर्ड, हमने इस चैनल पे भी और कितने आपके चैनल पे भी कितनी बार बोला है, चेल्सी का बोर्ड इज द बेस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट नेगोशिएशंस। वी हैव मेरीना, वी हैव अ वेरी गुड बोर्ड रूम। बट इस टाइम पे जो क्रिस्टियनसन के साथ करा, टूकल एडमिटेड कि उसके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो नहीं खेल रहा, ही वॉज लाइक इन इज प्राइम, जो हमने देखा था वापस इस डैनिश मैल्डीनी वाले टॉक्स वापस आ गए थे। बट वट इज ही डूइंग इन द लास्ट टू गेम्स? वो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन उसके दिमाग में वापस चल रही है, इट इज द मेंटेलिटी एज वी वर सेइंग। क्या क्रिस्टियनसन इसीलिए इतना बेकार फॉर्म में आ चुका है? सार इज नॉट मैच फिट, अब टॉक्स आ गए कि उसको हटाओ, ही इज नॉट इवन फिट टू प्ले इन दिस स्क्वाड एंड स्टफ।
तो डिफेंस में क्या हो गया, 6 goals in 2 matches। क्रिश्चियनसन तो बहुत ही खराब खेल रहा है, दो दो मैचेस से तो बहुत ही मतलब बेकार खेल रहा है, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन है या क्या है इसका, तो मतलब अगर ये है तो इट इज वेरी अनप्रोफेशनल ऑन क्रिश्चियनसन पार्ट, क्योंकि रूडिगर की परफॉर्मेंसेस में कोई डिप नहीं दिखता मुझे। मतलब ठीक है वो पूरी टीम खराब खेल रही है, बट रूडिगर को मैं ब्लेम नहीं करूंगा कभी भी, रूडिगर की सिचुएशन ज्यादा खराब है। और क्रिश्चियनसन तो भाई यंग प्लेयर है, मतलब ही वॉज सपोज टू बी दैट नेक्स्ट बिग थिंग डिफेंस में, हमारे थियागो सिल्वा का वही है जो नेक्स्ट थियागो सिल्वा की जगह लेगा हमारे पास, तो अगर ऐसा है तो भाई प्लेयर इज टू ब्लेम। और ये एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन है, अगर मैं मतलब आप अगर क्लब के लिए खेल रहे हो तो रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द डोर्स यू हैव टू गिव योर 100% ऑन द फील्ड। भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अभी तो तुम चेल्सी प्लेयर हो ना यार, बट क्लब जब ने तुम्हारा कुछ नहीं कॉन्ट्रैक्ट करा, वो फॉर्म में था, प्राइम में खेल रहा था, ही वाज ड्रॉप फॉर ट्रेवल चालाबा 3 मैच में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा था, तो क्लब के लिए भी तो ये बहुत एक अनप्रोफेशनल मूव था। अब वो तो देखो बिहाइंड द सीन्स क्या है क्या नहीं है, मैं तो हमेशा अपने मैनेजर को डिफेंड करूंगा, आई थिंक इट इज मैनेजर्स कॉल कि वो किसको खिलाता है किसको नहीं खिलाता है, मे बी इंजरी प्रॉब्लम होगी या चालोबा वुड हैव मतलब बीइंग द बेटर प्लेयर इन द ट्रेनिंग सेशंस, और वो दिखा भी हमको, चालोबा हैज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक और कोई दिक्कत नहीं होती, चालोबा भी अनफिट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन अगर ऐसी है और ये यही करना है तो ये भाई ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रही है ये चीज़, और कोई कुछ नहीं है मतलब इससे कोई फायदा नहीं है। Definitely. And now talking about the big issue Chelsea में जो है, is Lukaku a miss? Like आप भी उस ट्रेन पे at least board कर चुके हो, because नहीं नहीं loyal fan base या फिर एक जो good player, good people who know कि जो football के बारे में जानते हैं, good नॉलेज हैव वाले पीपल फुटबॉल के बारे में, दे नो लुकाकू का बेस्ट इज येट टू कम, बट विल यू ड्रॉप लुकाकू व्हेन ही इज 100% फिट? नो नेवर। अभी हम भाई लुकाकू को जिस चीज के लिए लाया गया था इट वाज टू प्ले विद वर्नर, जैसे लुकाकू वर्नर कॉम्बिनेशन बैठने लगा था वो इंजर हो गए दोनों मालमो वाले मैच में चैंपियंस लीग में, फिर उसके बाद हमने देखा 7-8 मैच तक दोनों इंजर्ड रहे, अब जेनिथ वाले मैच में देख लो कितना प्यारा लिंकअप बनाया दोनों का आपस में, मतलब ऐसा लग रहा था कि टेलीपैथिक फुटबॉल चल रही है दोनों में, एंड वंस द होल टीम इज फिट लुकाकू और वर्नर ही खेलने वाले हैं आगे, क्योंकि अगर वर्नर का देखो बेस्ट गेम वाज अलोंगसाइड क्रिस्टियन पोलसन लाइप्ज़िग में, बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले विद अ स्ट्राइकर हु इज फिजिकल और वो स्पेसेस में भागेगा, वो इनसाइड फॉरवर्ड है, वर्नर इज नॉट एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर, बट हाँ लुकाकू को हम लिमिट कर देते हैं अगर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एज अ टारगेट मैन खेले, जैसे आर्सेनल वाले मैच में खेला था वो अपने डेब्यू पे, ही वॉज कमिंग डीपर, ही वॉज ड्रॉइंग डीपर, बॉल ले रहा था, रीस जेम्स, कोवाचिच, काय हैवर्ट्स, अलोंजो सबको इन्वॉल्व कर रहा था गेम में, खुद आगे बॉम्ब कर रहा था, वॉज फाइंडिंग हिमसेल्फ इन स्पेसेस, चाहे बेल्जियम में देख लो चाहे इंटर में देख लो, उसका गेम हमेशा वही रहा। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इंजरीज की वजह से और अनटाइमली मतलब ये चीजें हो गई हैं उसकी वजह से हम पूरा फुल इफेक्ट में नहीं देख पाए हैं, बाकी आई थिंक हम रिएक्शनरी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि मतलब यार ये इसको इतना पैसा खर्च करके लाया, जेडन सैंचो पे तो इतनी उंगलियां नहीं उठ रही थी, अभी सडनली उसने 2 गोल मार दिए तो मतलब वाह ओले वॉज द प्रॉब्लम, ये ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब आपको अगर जज करना है तो उसको भी आपको सेम उसमें पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा। सिमिलरली हम बात करें तो लुकाकू अगर मतलब शुरू में अगर वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा था बट ही वाज हैविंग एन इंपैक्ट, वो वॉटफोर्ड वाला गेम जो अपन साथ में देख रहे थे वो जियाज का गोल ही लुकाकू की वजह से हुआ, एग्जैक्टली, तो वो लुकाकू ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू नंबर्स, और इस वजह से लोग पागल हुए हुए हैं। द कोंटे ने स्टेटमेंट दी थी कि लुकाकू टुकल ने लुकाकू की बेस्ट पोजीशन फाइंड नहीं करी है, आपके हिसाब से लुकाकू की बेस्ट पोजीशन क्या है? एज आपने बोला टारगेट मैन मत खिलाओ, लेट हिम बी फ्री, तो आप अफोर्ड कर सकते हो एक माउंट और लुकाकू दोनों प्लेयर्स को आप फ्री छोड़ना, बिकॉज माउंट एंजॉयज दैट फ्री वाला रोल, यू कैन नॉट प्ले ऑन अ सर्टेन पोजीशन या फिर यू कैन नॉट डिफाइन हिज पोजीशन, कैन यू एक्सपेक्ट कि दोनों प्लेयर्स वो रोमिंग वाला रोल करें? हाँ बट वही है, अब हमको उसके लिए थोड़ा सा माउंट को फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 3-4-3 पे हम नहीं रह सकते, हमें थोड़ा 3-5-2 की तरफ भी देखना पड़ेगा जिसमें माउंट थोड़ा और डीप आ जाए, क्योंकि माउंट पे मेरे को पूरा भरोसा है, इज वर्सेटाइल, और ऐसा नहीं है कि भाई हमको वो रिजिडिटी रखनी है, वी हैव टू बी रिजिड ओनली इन द डिफेंसिव ट्रांजिशंस, अटैकिंग ट्रांजिशन में तो अगर आप फ्रीडम दोगे लुकाकू को तो ही विल बी अ बीस्ट, वो जो डिसिप्लिन वाली बात है, वो जो लिमिट रहने वाली बात है, दैट हैज टू बी डन इन द डिफेंसिव फेस, उसमें तो माउंट को खिलाना ही पड़ेगा आपको, और जितना वो डीप खेलेगा उतना अच्छा है टीम के लिए, तो उतना प्रेस आएगा, उतनी दिक्कत होगी सामने वाली टीम को, बट हाँ ये एक वेरिएशन है। और पता ही हम बातें क्यों कर रहे हैं इतनी,
क्योंकि अभी हम 3-4 मैच से स्ट्रगल कर रहे हैं। exactly. अगर हम बिना लुकाकू के बिना इंजरीज के हम पॉइंट्स निकाल लिए होते, चाहे हमने वेस्ट हैम वाले मैच में भी 3 पॉइंट निकाल लिए होते, हम यूनाइटेड के अगेंस्ट जीत गए होते जो कि हमको जीतना चाहिए था वो मैच, तो हम इतनी बात ही नहीं कर रहे होते अभी। इट इज ओनली अबाउट फाइन ट्यूनिंग स्मॉल थिंग्स ऑन द फील्ड, स्पेशली द इन गेम मैनेजमेंट। क्यों आपको गेम किल, वेस्ट हैम के अगेंस्ट तो मुझे अप्रोच ही समझ नहीं आया। 2-1 से आप लीड कर रहे हो, क्यों गेम किल करना है यार, क्यों गेम किल करना है? और चेल्सी वर नोन टू फॉर द टीम जो 2-1 की लीड को या 1-0 की लीड को भी डिफेंड कर सकती है। टुकल के आने के बाद से वी वर लविंग दैट थिंग कि हम 1-0 की लीड को भी डिफेंड करेंगे, वी डू नॉट केयर कि हम किल करें ना करें। लिवरपूल वाला गेम देखो ना यार, 1-1 रेड कार्ड, उस पे कुछ करने नहीं दिया लिवरपूल को 45 मिनट। और मोसाला वाले विंग पे तो अलोन, हां मोसाला वाले विंग पे तो वो अलोंसो खेल रहा था, वो भी कुछ नहीं कर रहा है अब। हम पूरी की वो खेलना नहीं चाहिए जल्दी से। अभी हमारे, मैं एक सेकंड में फिक्स्चर्स देख लेता हूँ। जैसे अभी तो अपना लीड्स है कल, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अब मैं बताता हूँ, देखो लीड्स है, फिर देन वी होस्ट एवर्टन, अ स्ट्रगलिंग एवर्टन, ठीक है, आर्सेनल को हरा दिया ऑल्दो, बट ठीक है। देन वी गो अवे एट वुल्स, विच विल बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम, फिर ब्रेंटफर्ड इन द EFL कप, एस्टन विला अवे एंड ब्राइटन एट होम, और फिर 2 जनवरी को लिवरपूल से स्टैमफर्ड ब्रिज में। तो अभी दिसंबर के जो मैचेस हैं, मैं कहूंगा विनेबल फिक्स्चर्स हैं इसमें, अगर आपको टाइटल जीतना है तो मैच जीतने पड़ेंगे आपको। बट लेकिन बाबा 6 मैचेस और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक वी आर हाफवे इनटू दिसंबर ऑलमोस्ट, और आपको इतने मैचेस खेलने हैं, दैट क्रिसमस पीरियड वाला जिंक्स, क्या वो चेल्सी के साथ जिंक्स वापस हो सकता है? मैन सिटी लिवरपूल आर डूइंग इट वेरी वेल। हाँ, हो तो सकता है, बट वही है ना, हम इंजरीज को ही तो ब्लेम करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम जैसे तैसे निकाल लेते हैं ये पीरियड, जैसे हम कुछ ना कुछ ग्राइंड करके हार्ड फॉट स्क्रैपी विक्ट्रीज लेके हम निकाल लेते हैं बिना किसी डैमेज के, और गोइंग इनटू द न्यू ईयर ज्यादा गैप नहीं होता टॉप 3 में, और फिर होपफुली बाकी प्लेयर्स आ जाते हैं फिट होके, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि हमने संभाल लिया, वी हैव स्टेडीड द शिप। लेकिन अगर ये 5-6 मैचेस में हम गड़बड़ कर गए, तो इससे 2 नुकसान होंगे। एक तो जो ये विस्पर्स चल रही हैं अभी, दे विल मतलब इंटेंसिफाई, तेज हो जाएंगी आवाजें, और दूसरी चीज फिर हम टाइटल रेस से बाहर हो जाएंगे, राउंड ऑफ 16 में भी हमको बायर्न या मैड्रिड मिलेगी, और फिर वहां से डाउनहिल जाने का चांस है। दूसरी चीज ये है, ऑन द फ्लिप साइड अगर पॉजिटिव रहती हैं चीजें, लुकाकू फिट हो गया है, मान लो इन 3-4 मैचेस में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देता है, गोल्स मार देता है, नैरेटिव यूं चेंज हो जाएगा, आर चेल्सी बैक, इज लुकाकू वर्थ अगर लिल मिल जाए साथ में, हां दिस कुड बी द परफेक्ट थिंग जो चेल्सी के लिए इस टाइम पे हो सकती है। यार मैं तो कहता हूं फरवरी तक बहुत टाइम होता है, वी डोंट नो कि फरवरी तक अगर बायर्न भी मिलती है तो क्या उनके सारे प्लेयर फिट होंगे? ऐसा तो है नहीं, उनको इंजरीज नहीं हो सकती, उनकी स्क्वाड की सिचुएशन क्या होती। हाँ, हम क्या है अभी की सिचुएशन लेके घबरा रहे हैं कि आज अगर मैच हो जाए बायर्न और चेल्सी का, या आज मैड्रिड और चेल्सी का मैच हो जाए, क्योंकि आज मैड्रिड इनकी फॉर्म्स में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। आज से 4 हफ्ते पहले हम कह रहे थे अभी तो कोई भी टीम ले आओ, तो बायर्न भी ले आओ हरा देंगे, तो नैरेटिव चेंज हो गया एक्चुअली, और इसी से ही मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम क्या है कि डिटेल्स पर पे अटेंशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, स्कोरबोर्ड एनालिसिस करके अपनी एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। और इसका मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा, डिसक्रेडिट देना चाहूंगा सोशल मीडिया को, ट्विटर को, क्योंकि बहुत टॉक्सिक हो गया है। मैं देख रहा था लोग बोल रहे साउल निगेज इज द वर्स्ट प्लेयर एवर टू प्ले इन अ चेल्सी शर्ट, शर्म ही नहीं आ रही है भाई, उसको खिलाया है खुला, टाइम की बात छोड़ो, उसको एक मैच नहीं खेला है, वो एक मैच खेला है कराबाओ कप में, वो अपनी प्रेफर्ड पोजीशन में, एंड ही वाज एब्सोल्युटली किलिंग इट इन दैट गेम, साउथहैम्पटन वाला जो गेम था, बहुत बढ़िया खेल रहा था उस गेम। तो यार आपको चीजों को देखना पड़ेगा ना, हमें क्या है, हम हो गए इंपेशेंट, ठीक है, हमको चाहिए कि भाई सिटी जैसे फोड़म फाड़ी कर रही है, भाई सिटी क्यों कर रही है फोड़म फाड़ी, इंजरीज नहीं हो रही, लकी है वो, उनको इंजरीज नहीं हो रही है, ठीक है। लिवरपूल लास्ट सेम चीज लिवरपूल के लिए बोल रहे थे, क्लॉप हैज लॉस्ट हिज मोजो, लिवरपूल गए हो गया उनका, अब अभी फिर अब उनको लोग कह रहे हैं ना कि दे आर द फेवरेट्स, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द बेस्ट टीम इन द यूरोप, क्या है ये? डेफिनेटली, एंड लाइक अब बाबा वी आर हाफवे इनटू दिसंबर, तो इट्स टाइम कि वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर, गेटिंग अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ इसमें भी, व्हाट इज गोइंग विद चेल्सी, अगर आप ट्रांसफर विंडो में जा रहे हो, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल रूडिगर का कॉन्ट्रैक्ट, अब जितनी मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ इट इज नॉट एट ऑल पॉजिटिव, रूडिगर नहीं करेगा साइन कॉन्ट्रैक्ट, बोर्ड रिजिड है, रूडिगर भी रिजिड है, सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस, क्योंकि उसकी एब्सेंस मेक्स अ वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस टू अस। नहीं, रूडिगर तो मतलब इज अ ह्यूज लॉस, वो तो मैं बहुत काफी वोकल रहा हूँ मैं इसके बारे में, तो अपन ने जब भी डिस्कशंस करी है, मतलब रूडिगर विल बी अ ह्यूज लॉस।
तो उसका कुछ हो जाए तो ठीक है, बट अब लग नहीं रहा कि कुछ होने वाला है, तो डेफिनेटली एक सेंटर बैक तो आएगा ही। 2 दिन से वेस्ली फोफाना की न्यूज आ रही थी बहुत, कि वेस्ली फोफाना के पीछे जा रही है। मैं कन्विंस नहीं हूँ, बहुत अनफिट रहता है वो, इज अ गुड डिफेंडर बट अनफिट बहुत रहता है वो, और अभी ऑलरेडी हम इंजरीज से इतना परेशान है, तो एक और ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए। डिलीट का एक छोटा सा एक आया है रूमर कहीं से आज, डिलीट के बारे में, कि यूवेंटस माइट ऑफर चेल्सी डिलीट, तो डिलीट के लिए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ वो डिलीट लेफ्ट कम्स। सेंटर बैक डिलीट, डज हाँ इट मेक सेंस टू यू? यार, मतलब मैं वो खेल ले बंदा, मतलब वो है उसमें, वो अडेप्टेबल है, वर्सेटाइल है, मेरे हिसाब से खेल लेना चाहिए उसको। एक लीडर की जरूरत है यार हमको, मोर देन अ प्लेयर वी नीड दैट कमांडिंग प्रेजेंस पीछे, जो कि नहीं, मतलब रूडिगर के जाने के बाद नहीं है। थियागो सिल्वा माइट नॉट एक्सटेंड हिज, नहीं मतलब चेक, हाँ, क्लब माइट नॉट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट, एक यार, मतलब वो वो तो फिट चाहेगा रहेगा रुकना। तो ही विल नॉट प्ले 15 to 20 हाँ गेम्स इन अ सीजन हाँ भी. वो इतना फिट नहीं होगा आपके हिसाब से. ही विल हाँ 38 देन. हाँ हाँ तो एक एक आपको लीडर चाहिए, और जूस कुंडे को तो हमको ले लेना ही चाहिए था, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है, मतलब वो चालोबा आ गया तो इसलिए हम भूल गए थे, बट अब कमी खल रही है, अब लग रहा है कि जूस कुंडे भी रहता टीम में तो सही रहता, बट शायद चालोबा उतना डेवलप नहीं हो पाता। बट ये भी तो अनफॉर्चुनेट है ना, एक साथ ही सबको इंजरी हो गई, तो कौन ही एग्जैक्टली. प्रिडिक्ट करता है कि हमारी मिडफील्ड खाली हो जाएगी। लेजिट खाली ट्रेवर चालबो हमारा 7th चॉइस मिडफील्डर है, वो भी नहीं इंजर्ड है, वो भी नहीं खेल सकता इस टाइम पे. हाँ, तो वही एंड है, तो देखते। मूविंग ऑन टू एस्पिलिक्वेटा, आर यू रेडी कि एस्पिलिक्वेटा आर लीडर आर लेजेंड्स का एरा खत्म हो गया? बार्सिलोना आर वेटिंग फॉर ए सिग्नेचर. ही इज नॉट एक्सटेंडिंग एज ऑफ नाउ. व्हाट इज अप विद हिम नाउ? डू यू हैव पहले हमें कोई रिप्लेसमेंट है एस्पिलिक्वेटा की, दैट राइट सेंटर बैक और राइट विंग बैक वाले रोल में? वी कैन नॉट रिलाई ऑन हडसन ओडॉय या पुलिसिक टू ऑलवेज कवर फॉर दैट पोजीशन. और अकेडमी को हाँ हम भूल ही गए हैं, मतलब हमारे इतनी इंजरीज है बट कोई भी हम एक अकेडमी प्लेयर को प्रमोट नहीं कर पा रहे. ये भी क्या एक प्रॉब्लम है हमारे लिए? हाँ ये भी है अभी प्रॉब्लम। और अगर आप एकदम से एकेडमी प्लेयर को भी ले आओगे तो ऑलरेडी जो प्लेयर हैं फिर वो भी, मतलब उनको भी लगता है कहीं ना कहीं भी। एस्पिलिक्वेटा अब आप देखोगे तो इस सीजन ही हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम, लास्ट सीजन ही वाज द फर्स्ट चॉइस, पर अभी चालोबा के आने के बाद वो राइट सेंटर बैक की जो प्लेस थी वो, और इतना मैं कहूंगा कि एस्पिलिक्वेटा कभी खराब नहीं खेलता है बट वो उस लेवल पे भी नहीं खेल पा रहा है, मतलब ही ऑलवेज गिव्स यू 7.5 out of 10, मतलब ही विल इन सम मैचेस ही विल बी अ 9.5 10, बट ही विल नेवर बी अ 4 or 5, मतलब वो कंसिस्टेंट रहेगा और वो बहुत अच्छा भी बहुत कम मैचेस में करेगा और खराब तो रेयरली करेगा, बट इस सीजन मैंने उसको खराब भी करते देखा है थोड़ा बहुत, और वो ही इज नॉट लुकिंग अप टू द पेस, पता नहीं क्यों, शायद वो ही कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है या क्या है, बट इट वुड ब्रेक माई हार्ट टू सी हिम गो। ऑब्वियसली हमारा लेजेंड है और मैं थोड़ा सा इमोशनल बनता हूँ व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, तो मेरे को तो खराब लगता ही है, लेकिन आई थिंक अभी सही टाइम है रिप्लेस करने का। जैसे पीटर चेक को कर्टुआ से एकदम सही टाइम पे रिप्लेस किया था हमने, क्योंकि कर्टुआ नहीं तो हाथ से निकल जाता, वो हमको नहीं मालूम था कि 3 साल बाद कर्टुआ धोखा दे देगा, वरना कर्टुआ हमारा नेक्स्ट कीपर था, जो नेक्स्ट 15 साल तक कीपर रहने वाला था हमारा। तो आई थिंक अगर अभी हम रिप्लेस कर सके तो बेटर है, तो ट्रांजिशन भी सही से हो जाएगा, और अभी लीडर्स की थोड़ी सी जरूरी कमी है हमारी, तो वो हमको लेना चाहिए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ डिलीट आए, क्योंकि डिलीट वो चीज लेके आएगा टीम में, क्योंकि अभी एक लीडर देखो तो जॉर्जिनियो के अलावा और कोई मेरे को लीडर दिखता नहीं है पिच पे। थियागो सिल्वा मतलब वही रीस लॉन्ग जेम्स, टर्म नहीं है उसका। रीस जेम्स इज नॉट वेरी वोकल, मतलब वो ऐसा नहीं है, वो अपने अपने गेम में अपने जोन में बीस्ट है, वो जैसे कांटे है, वो अपने गेम में अपने जोन में बीस्ट है वो, बट मतलब जैसे माउंट को मैंने फिर भी देखा है कि वो टीम को लिफ्ट करता है, आगे आता है, मतलब वो उसको देख के वो वाइब आती है लीडर वाली। रीस जेम्स ठीक है, अच्छा है, पर वो अगर वो डेवलप कर ले अपने में। अलोंजो इज अ गुड लीडर, अलोंजो को देख के लगता है कि ही इज अ गुड लीडर, ही हैज दैट, मतलब मैं तो देखो अलोंजो फैन हूँ तो मैं तो बोलूंगा, तो मतलब ही हैज दैट प्रेजेंस, बट कांटे को देख के वो नहीं लगता, और किसी को, जॉर्जिनियो के अलावा किसी को देख के नहीं लगता है, तो मे बी मैंडी इफ आई डोंट नो, बट एक लीडर चाहिए यार अभी मेरे को नहीं पता, मतलब कौन आएगा कैसे होगा, क्योंकि भाई ये टीम ऐसी थी ना, मेरे को तो पीक चेल्सी की आदत है ना, जॉन टेरी, फ्रैंक लैम्पार्ड, ड्रॉगबा, पीटर चेक, डेफिनेटली हर हर फील्ड फील्ड के हर एरिया में लीडर्स, वो चाहिए, वो चाहिए। अभी आप मैन सिटी को देख लो, एडरसन ही इज अ लीडर, रूबन डियर डियाज ही इज अ लीडर, फर्नांडिनियो, बर्नार्डो डिब्रोयना, दे सिल्वा, आर लीडर्स, बर्नार्डो सिल्वा इज अ लीडर, तो भाई वो भी एक चीज बहुत होती है जो मैटर करती है। सेम विद लिवरपूल, वैन डाइक, हेंडरसन, मोसाला, ये सीनियर प्लेयर, मतलब एलिसन, लगता है इनको देख के कि हाँ यार ये टीम के लिए, रॉबर्टसन बहुत मतलब टीम के लिए आगे आता है, ठीक डेफिनेटली है, लाइक बाकी हाँ जी हाँ
हाँ तो मतलब ये चीजें हैं जो हमारी टीम में मिसिंग है, वही लीडरशिप के बल पे रियल मैड्रिड खराब टीम, मतलब इतनी अच्छी टीम नहीं थी उनकी, तब भी वो इतना कुछ अच्छा कर रहे थे यार, सिर्फ लीडरशिप के बल पे। तो इट्स मोर अबाउट यही है, इंडिविजुअलिटी उस टाइम पे। हाँ तो वो हमारी टीम में अभी नहीं है, कैरेक्टर्स की थोड़ी सी कमी है। रूडिगर और एस्पिलिक्वेटा और थियागो सिल्वा अगर तीनों ही चले जाते हैं तो खत्म हो जाएगा फिर, तो वहां पे तो फिर डिलीट चाहिए ना यार। एग्जैक्टली। एंड टॉकिंग अबाउट टुमारो गेम, टुमारोज गेम, वी आर फेसिंग लीड्स, व्हाट इज योर प्रेडिक्टेड 11? मतलब हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं। डू यू एक्सपेक्ट, सबसे पहले आपने बोला चेंज इन, डू यू एक्सपेक्ट कि कल हम सिस्टम चेंज कर रहे हैं, एज इन फॉर्मेशन चेंज, या फिर प्लेयर्स के रोल में चेंज कर रहे हैं हम? या लीड्स के अगेंस्ट तो मत ट्राई करो, एवर्टन के अगेंस्ट कर लेना। लीड्स प्रेस करेगी और अगर उस प्रेस में हम काउंटर प्रेस नहीं कर पाए सही से नए सिस्टम में, जिसको अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वी विल बी इन ट्रबल। तो अभी तो इसी सिस्टम से चलाओ और जो उनका प्रेस है उससे निकालो। तो हाउ डू यू लाइन अप? मैंडी, उसके बाद एस्पिलिक्वेटा इफ ही इज फिट, मतलब आई थिंक ही इज फिट। हाँ क्रिस्टेंसन रूडिगर, मतलब तीनों आते हैं, एस्पिलिक्वेटा क्रिस्टेंसन रूडिगर, आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग बैकलाइन, इवन यही सिल्वा कैन मेक चैंपियंस। दिस गेम, सिल्वा पिछले गेम नहीं खेला ना हाँ शायद। इफ, हाँ इफ, हाँ इफ सिल्वा इज अवेलेबल तो एस्पिलिक्वेटा सिल्वा एंड एग्जैक्टली। रूडिगर, ठीक है। ये चैंपियंस लीग में बैकलाइन थी हमारी फाइनल में, ठीक है। अब अलोंजो अवेलेबल है कि नहीं मेरे को आइडिया नहीं है, बट अभी वो कॉन्फ्रेंस है शायद, अभी बची है बिफोर कॉन्फ्रेंस है रिकॉर्डिंग। तो या नहीं तो फिर हम वही देखेंगे, साउल को खेलना पड़ेगा वहां पर। साउल वाज नॉट और अ लाइक, इट वाज 50-50 फॉर मी फर्स्ट इनिशियली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो दैट लेफ्ट फुट ऑफ हिज अच्छा था लेफ्ट विंग बैक पे। डू यू ट्रस्ट हिम ओवर या मार्कोस टाइम एलोन्सो? देंगे, टाइम देंगे तो पता चलेगा, एक बार थोड़ा टाइम देते हैं वरना पता नहीं चलेगा, ऐसे कैसे हम बोलते हैं अभी कुछ भी, पर देखते हैं क्या होता है। साउल को खिलाओ वहां पर, नहीं तो हडसन ओडोई को भी खिला सकते हो, मतलब वो थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट साइडेड प्लेयर है तो वहां से उसको थोड़ा और फ्रीडम मिलेगा आगे आने का। देन राइट वी हैव रीस जेम्स, अब मिडफील्ड काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो लॉफ्टस चीक अगर अवेलेबल है तो ही माइट स्टार्ट, बट मुझे एक्चुअली डाउट माइट है। बी, क्योंकि टुकल ने पिछले गेम में कहा हाँ था कि ही वाज अवेलेबल फॉर लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द गेम, लेकिन वो अनयूज्ड सब था बिकॉज वो टैक्टिक्स में फिट नहीं बैठा था। सो मे बी हाँ लॉफ्टस चीक माइट बी रेडी फॉर दिस गेम। हाँ तो लॉफ्टस चीक को खिलाओ अलोंग साइड माउंट, थोड़ा कंट्रोल लाओ मिडफील्ड में, थोड़ा एक बॉल प्लेइंग हमको चाहिए, जो जॉर्जिनियो वाला रोल शायद प्ले कर ले माउंट, अगर वो डिसिप्लिन रहे आगे नहीं पुश करे। अब फ्रंट थ्री में फिर हमारी थोड़ी क्रिएटिविटी की कमी हो जाएगी, बट नहीं यार लीड्स है, माउंट को फ्रंट थ्री में रखना पड़ेगा वरना काउंटर प्रेस कौन करेगा, यही तो दिक्कत है। रीस जेम्स इन मिडफील्ड एंड पुलिसिक ऑन राइट विंग बैक। फिर हडसन ओडोई ऑन राइट विंग बैक हाँ एंड हडसन ओडोई या पुलिसिक, कोई भी। हाँ, और फिर फ्रंट थ्री में माउंट वर्नर लुकाकू। माउंट वर्नर लुकाकू एंड जस्ट अ स्मॉल थॉट ऑन काई हैवर्ट्ज़। फॉर्म अच्छी है, प्लेयर अच्छा खेल रहा है, व्हाट डू यू फील अबाउट हिम? लाइक उसने जो हमें इंस्टेंट्स दिए थे वॉटफोर्ड गेम में, टीम वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल लेकिन वो अच्छा खेला। व्हाट डू यू फील अबाउट काई हैवर्ट्ज़? वो फिजिकल हो रहा है, ही इज गेनिंग दैट ही इज अ वो फैंटास्टिक प्लेयर, मतलब वो लोग रेट नहीं करते हैं उसको, ऑब्वियसली नंबर्स नहीं है उसके साइड पे, बट ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत सिल्की है। मतलब वो है कि इंटेलिजेंट बहुत है, अवेयर रहता है कहाँ से आ रही है, प्लेयर्स कहाँ से हैं उसके आसपास, उसके प्लेयर कहाँ है, फिजिकल भी हो रहा है एज यू सेड, और बट्स तो हाँ, तो आई थिंक वो काफी अच्छा भी उसका रन रहा है, वही है मतलब वो रोटेशन में खेलता। आई थिंक ही कैन प्ले इन अ टू स्ट्राइकर सिस्टम ऑल्सो विद लुकाकू, जहां पे वर्नर की हमको उतनी उसकी पेस की जरूरत नहीं हो, जहाँ जो टीम लो ब्लॉक खिलाती हो लोग। तो दो फिजिकल प्रेजेंस हो जाएंगी हमारे, हमारे जो विंग बैक्स बॉल पिंग करते हैं तो उसमें लुकाकू हैवर्ट्स का बहुत अच्छा हो जाएगा स्ट्राइक ऑल्सो वो पार्टनरशिप। लुकाकू को एक फ्रीडम दे सकता है जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले, विद काई हैवर्ट्स एज अ मैन मार्क करने वाला मैन या होल्ड अप करने वाला। यू कैन डू विद काई हैवर्ट्स इफ ही इज गेटिंग दैट फिजिकल। बिल्कुल बिल्कुल तो है। अरे बहुत भाई, अपने स्क्वाड की बात ही यही इतनी अच्छी है कि हम किसी भी सिस्टम में किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट कितनी भी वर्सेटाइलिटी में खेल सकते हैं, बट अगर सब इंजर्ड ही हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम, मतलब आगे हमारे पास इतना टैलेंट है, पीछे सब इंजर्ड हो तो अगर हकीम जियाज को तो आप नंबर सिक्स नहीं खिला सकते मे बी मैंने एक कौन सा ना ट्विटर का एक वो था, बंदा था, उसके मैंने देखा कि
इट इज इट टाइम टू स्टार्ट हकीम जियेश इन मिडफील्ड, मतलब एक राइटर है, वेल नोन राइटर है, ही वाज गिविंग ऑप्शंस टू चेल्सी. नहीं, वो फिजिकलिटी नहीं है उसमें, और वो थोड़ा सा बॉल पे मतलब उसको टाइम चाहिए, उतना टाइम मिलता नहीं है मिडफील्ड में, नहीं नहीं हो पाएगा वो. माउंट को खिला सकते हैं, हकीम जियेश को नहीं खिला सकते. डेफिनेटली. सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम मी एंड बाबा. लास्ट में प्रेडिक्शंस गोइंग टू द मिड क्रिसमस पीरियड. सीजन डीरेल हो चुका है, या फिर वी शुड नहीं स्टिल नहीं नहीं कीप कि हम वो टॉप नहीं नहीं टीम प्रीमियर लीग फेवरेट्स हैं अभी भी. अभी भी हैं, वी आर स्टिल इन द टाइटल रेस. अभी कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ है. थैंक यू सो मच बाबा फॉर कमिंग टू अवर चैनल. इट्स ऑलवेज लवली थैंक टू यू, नो हैव हिम. प्रॉब्लम भाई. You will have his links in the description. You can go watch his content. Definitely great, great content. As we love to see Baba always on YouTube. This is from us. Thank you so much, guys. That's all from us.